गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। फिर से जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लो और घंटा बटन दबा दो और फाइनल की ट्रॉफी जीत गए और सपना पूरा हो गया है। और ये हमारी दीदी पकड़ कर दो ऐसे करो थोड़ा गर्दन लास्ट फोटो यू गेट इट यू गेट इट मेरा एक लास्ट के लिए। तो दोस्तों आईपीएल 2024 अब खत्म हो चुका है। इस बार शाहरुख खान और जूही चावला की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब अपने नाम किया। ऐसा करने में टीम को 10 साल का वक्त लगा। इस वजह से भी यह जश्न और भी खास है। केकेआर की पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस साल शाहरुख खान ने बढ़ चढ़कर क्रिकेट के इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया और वे कई मौकों पर अपनी टीम को सपोर्ट करते नजर आए। बीते दिनों टीम को सपोर्ट करने पहुंचे शाहरुख खान हीट वेव का भी शिकार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। डिस्चार्ज होने के एक दिन बाद भी एसआरके अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरी फैमिली के साथ पहुंचे और जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। गौतम गंभीर की गाइडेंस और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर की टीम ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया और इस साल अंक तालिका में भी टॉप पर रही। साथ ही फाइनल में खतरनाक दिख रही सनराइज हैदराबाद की टीम को बड़ी आसानी से हरा दिया और 10 साल बाद ट्रॉफी अपनी झोली में डाली। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के कई वीडियोज और फोटोज सामने आए हैं जिसमें वो सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। कभी वे मैदान पर सिर के बल खड़े नजर आ रहे हैं, कभी वे अपनी वाइफ गौरी खान को किस करते नजर आए, कभी वो अपनी बेटी सुहाना खान के साथ इमोशनल मोमेंट शेयर करते नजर आए, तो कभी वे टीम के युवा प्लेयर रिंकू सिंह को गले लगाते दिखे। उनका उत्साह किसी बच्चे के जैसा नजर आया। खैर दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही शाहरुख खान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।